माँ के साथ। माँ बहुत ही ठंडे स्वभाव की हुआ करती थी, किसी के साथ भी कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करती थी। लेकिन अगर कोई उसके मायके के बारे में कुछ गलत कह देता था तो उनसे सहन नहीं होता था। हम बहुत सी लड़कियां दिन भर खेलती कूदती रहती थी और नजदीक नजदीक बने हुए गांव के घरों के एक छत से दूसरे छत पर कूदती हुई दिन बिता देती थी। सावन भादों की लंबी गर्म दोपहरियों को कभी लुक्का छिपी तो कभी गुड्डे गुड्डी की शादी जैसे खेल खेलती रहती थी। हम सभी लड़कियां अपने घर सिर्फ खाने पीने को ही जाती थी, नहीं तो ज्यादा समय घर से बाहर ही रहती थी। दिन को खाने के लिए मैं घर जाती तो देखती थी कि माँ ने घी लगे रोटियां और पराठे एक कपड़े में लपेट के रखे होते थे। माँ हर समय कभी आंगन की गोबर से लिपाई कर रही होती थी तो कभी चूल्हे को लीप रही होती थी और कभी घर के बाहर जानवरों के लिए घास काट रही होती थी या गोबर के उपले बना रही होती थी। कई बार मैं शिकायत करती कि रोटियों के किनारे कच्चे रह गए थे या फिर खाने के लिए कुछ मीठा क्यों नहीं बनाया था। माँ बहुत ही प्रेम से कहती थी, पहले रोटी खा ले फिर खीर मिलेगी। खीर माँ ने कहीं छुपा कर रखी होती थी क्योंकि मैं रोटियां खाने में बहुत आनाकानी करती थी। मेरी माँ क्या थी, बस 2400 घंटे चलने वाली मशीन की तरह की ही थी, सर्दी हो या गर्मी का मौसम, मौसम माँ का पर कोई प्रभाव नहीं होता था। सबसे आखिर में सोने के लिए अंदर आती थी और सुबह सबसे पहले ही उठकर काम करने लगती थी। माँ को खर्चा चलाने के लिए निर्धारित रुपए ही मिला करते थे, उन रुपयों में से भी माँ कुछ बचा लिया करती थी और फिर कभी मेरे लिए नए सूट तो कभी भाई के लिए नई कमीज खरीद कर ला देती थी। खुद तो वो बस किसी की विवाह शादी पर ही नया सूट पहनती थी। कई बार माँ और बापू में झगड़ा भी होता था पर हम बच्चे बीच में आ जाते थे। हमको तो बस इतनी ही चिंता होती थी कि खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और खर्च करने के लिए पैसे मिल जाए, बस यही थी हमारी तीन मांगे। कई बार जब हम बाहर से खेलकर घर आते थे तो हम माँ को कागज पर कुछ लिखते हुए देखते थे, पर हमको देखते ही वो उस कागज को जल्दी से छुपा लेती थी। लेकिन हम जानते थे कि वो किसको चिट्ठी लिख रही होती थी, या तो वो बड़े मामा जी को या फिर नाना जी को ही चिट्ठियां लिखती थी। बापू के साथ झगड़े के बाद वो दिन भर छुपी रहती थी लेकिन अगली सुबह तक माँ का गुस्सा ठंडा हो चुका होता था और वो रात को चिट्ठियों में लिखा हुआ सब कुछ फाड़ देती थी। हमारी नानी तो तभी मर गई थी जब हम बहुत छोटे थे। नाना जी बहुत ही धार्मिक इंसान थे, सभी के जीवन में सुख शांति की कामना करते थे नाना जी। जब भी नाना जी हमारे गांव आते थे तो लोग उनसे घबराते थे और हम सभी लड़कियां भी खेल छोड़कर इधर उधर भाग जाती थी। नाना जी की साइकिल के हैंडल से हमेशा ही कुछ ना कुछ लटक रहा होता था। कभी गुड़ लाते थे तो कभी लड्डू, कभी बेसन की बर्फी तो कभी बाजरे की मीठी मोटी मोटी रोटियां, कभी असली घी से बनी मिठाइयां, कभी खाली हाथ नहीं आते थे नाना जी। जब नाना जी साइकिल रोककर एक पांव जमीन पर लगाकर गांव के किसी व्यक्ति से बातें करने लगते थे तो हम उनके थैले में से गुड़ या कुछ मिठाइयां लेकर फिर से खेलने भाग जाते थे। फिर एक दिन नाना जी भी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के साथ ही माँ के चेहरे की बची खुची रौनक भी चली गई। नाना जी की मृत्यु के बाद माँ चुप रहने लगी, कभी स्पीकर पर एक गीत सुनती थी। वो गीत मुझे आज भी याद है, माँ मेरी मैं अब मायके जाऊंगी, माँ के साथ नाचूंगी गाऊंगी। लेकिन हमको देखते ही माँ अपनी आंसुओं के आंसू पोंछ कर घर के अंदर चली जाती थी। फिर एक दिन जब डैडी खेत में काम कर रहे थे,
उनको पुलिस उठाकर ले गई है। मैंने और माँ ने हर जगह खोजा लेकिन डैडी कहीं नहीं मिले। उनको आतंकवादी कहकर उठाकर ले गए थे और शायद उनको कहीं ले जाकर मार। डैडी की याद आज भी कांटे की तरह दिल में चुभती रहती है। आज मेरी शादी के कई वर्षों के बाद भी जब मैं अपनी माँ को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ आज भी कह रही है, बेटी ससुराल में अगर कुछ हो जाए तो मुझे एक चिट्ठी जरूर लिख देना। आज मैं सात समंदर पार बैठी, जब भी मन में कुछ दर्द भरी याद आती है तो मैं अपने सेलफोन पर अपने भाई का नंबर लगाकर बहुत देर तक इंतजार करती रहती हूँ। भाई तो कभी कभी ही फोन उठाता है, उसका अपना परिवार है, अपनी जिंदगी है, बड़ा आदमी है, अब वो उसकी अपनी समस्याएं हैं। आज भी कभी माँ का वो मनपसंद गीत सुनती हूँ तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाती हूँ, और मैं एक बार फिर से छोटी सी बच्ची बनकर गांव की उन गलियों में पहुंच जाती हूँ जहां मैं अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। पर इतनी दूर अमेरिका में अब तो घर के अंदर या फिर काम पर ही जीवन बीतता है। अपनी कार चलाते हुए भी अचानक ही रो देती हूँ। नाना जी की साइकिल और साइकिल से हैंडल से लटका हुआ थैला याद आ जाता है। अब यहाँ गुड़िया लड्डू तो वैसे नहीं मिलते, पर कार रोकर अपने छोटे बेटे और बेटी के लिए कुछ चॉकलेट और केक जरूर खरीद लेती हूँ। माँ के साथ तो बात ही कुछ और थी, उसकी कमी कभी पूरी हो नहीं हो सकती है एक बेटी की जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया।